Today we are in Lcit group of institutions. So we have to warn. Okay. This is new. Today we come from the Lcit college, Bilaspur. So you go to the college, entrance college exam. इधर में आप कैमरा घुमाइए. पूरा इंस्टीट्यूशन बिलासपुर का ये नंबर वन प्रायोरिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज बोल सकते हैं, जो इंजीनियरिंग वेरियस ब्रांचेस में आपको आप प्रोवाइड करवाते हैं. अंदर में चलते हैं. यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस है, CS, IIT, इलेक्ट्रिकल, सिविल ब्रांच. सिविल ब्रांच मोस्टली यहाँ पे फेमस है. सिविल ब्रांच की फैकल्टी और अच्छे हैं. यहाँ पे अंदर में देख सकते हैं आप किस तरीके से प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाया गया है. चलो इधर इंस्टीट्यूशन के बाहर चलते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल फैकल्टी, हॉस्टल एंड कॉलेज फैसिलिटी सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है. अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो ले सकते हैं. कोई एग्ज़ाम क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस कॉलेज हैव वैकेंसी इन वेरियस ब्रांच. मेनली यहाँ पे 5 ब्रांच है. कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल ब्रांच एंड IT एंड ट्रिपल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ET&T ब्रांच. ये सब ब्रांचेस है. ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे गार्डन खेलने के लिए बनाया गया है. तो इस कॉलेज की खास बात हम करते हैं. तो इस कॉलेज में क्या खास बात है इसको मैं आपको बताता हूँ. देखिए दोस्तों, कि बिलासपुर में जनरली 5 कॉलेज है इंजीनियरिंग के कॉलेज, जिनमें से पहला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रन होता है, एंड वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुरु घासीदास कॉलेज, एंड प्राइस इंस्टीट्यूशन में बात करते हैं चौकसे कॉलेज, LCIT कॉलेज, CV रमन कॉलेज. तो जो बिलासपुर में मतलब पढ़ना चाहते हैं, बिलासपुर में आना चाहते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है. अगर स्टडी लेवल की बात करें तो नॉट अ बैड, नॉट अ गुड, इट्स बेटर. ओके, बेटर कह सकते हैं हम. तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना हो, जिनको कोई क्वेरी हो, जिनको कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से फैच करना हो, वो हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से लिंक से, यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन का लिंक दिया गया है, इस कॉलेज का लिंक दिया गया है, उसमें आप जाकर सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कॉलेज की कौन से ब्रांच में कितनी फ़ीस है, कितने क्या कितने क्वेश्चन होंगे, ट्यूशन फीस कितनी होगी और प्लेसमेंट, ये सब देख सकते हैं. जनरली यहाँ के सर से हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पर 100% प्लेसमेंट है. लेकिन दोस्तों हम बता दें कि 100% प्लेसमेंट कहीं पे भी नहीं मिलता, और प्लेसमेंट मिलता भी है तो वो प्लेसमेंट 100% 5000 सैलरी वाला रहता है, जो कि 5000 कौन कमा, आजकल 5000 तो कोई भी कमा लेता है ना दोस्तों. तो यही हमारी आज की चर्चा है, और आगे मिलते हैं ऐसी नए नए जानकारी के साथ, नए नए कॉलेज और इंस्टीट्यूशन की सच्चाई जानने के लिए. हम आपके साथ विजन एजुकेशन आपके साथ.